नमस्कार सर्वांना. उपस्थित सर्व केंद्रीय मानव अधिकार संघटनेच्या सर्व सदस्यांचं मी आज इथे स्वागत करते. आज आपण इथे जमलो आहे कार्यकारिणी. एक आपण विषय ठेवला होता, त्या कार्यकारिणीवर आज चर्चा करण्यासाठी आज आपण इथे उपस्थित झालो आहे. तो विषय म्हणजे कोणता? तो विषय होता सहज एकदा चहा पिता पिता एक मांडलेला विषय, सहज एक गमती. सर, महिलांसाठी काहीतरी करूया ना, जे महिला आपल्याकडे येतील आणि आपण त्यांचं निवारण करू शकू, महिलांसाठी काहीतरी करू, बस असा एक विषय निघाला. सरांना आम्ही एक दीड वाक्य असं म्हणून ठरवलेलं आहे, नथिंग इज इम्पॉसिबल. आणि त्याची डेफिनेशन म्हणजे असतं मिलिंद दहिवले सर, यांच्यासाठी काहीच इम्पॉसिबल नाही. सहज एक महिना आधी डिस्कस केलेला फक्त एक विषय, एक कल्पना ठेवलेली होती, ती म्हणजे तो विषय आज त्यांनी खरा केलेला आहे, वुमन्स ग्रीव्हन्स रेड्रेसल ट्रस्ट, महिला तक्रार निवारण न्यास. महिलांचे भरपूर प्रॉब्लेम्स असतात, काही सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, पण प्रत्येक त्या प्रॉब्लेम्सचं निवारण प्रत्येक ठिकाणी महिलांना मिळतं का? महिलांचं काय असतं? घरातील मंच, गावातले पंच, मग पोलीस स्टेशन आणि मग कोर्ट. पण प्रत्येक ठिकाणी जाऊन तिला तसा न्याय मिळतो का जसा तिला हवा? तसा तिच्यासोबत जो आज मी पोलीस स्टेशनला जाते एका महिलेला घेऊन, तिला तिथे तसं ट्रीटमेंट मिळतं का जसं तिला हवं, जसं ती एक्सपेक्ट करते? नाही मिळत. प्रत्येक महिला ही कोर्टात जाऊन स्वतःच्या अधिकारांसाठी फाईट करू शकत नाही, ती पे करू शकत नाही. जर पे करू शकत असेल तरी तिला तो वेळ जो कालावधी लागतो तो जरुरी नाही तर रिझल्ट तिच्याच फेवर मध्ये येईल. अशा या प्रत्येक बाबींचा विचार करून एक विषय जो ठरवला मिलिंद सरांनी तो म्हणजे महिला तक्रार निवारण न्यास. आज या टॉपिकवर आपण जी चर्चा करणार आहे, आज आपण त्याची कार्यकारिणी डिसाइड करणार आहे, यामध्ये काय असायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे, कसे काम आपण करायला पाहिजे, कुठून स्टार्टअप करायला पाहिजे आणि कुठे आपण आपले अधिकार जमवायला पाहिजे, त्याचं सोल्युशन आपल्याला कसं मिळेल, त्या सगळ्या बाबींवर आज चर्चा करण्यासाठी आजची बैठक आपण इथे आयोजित केलेली आहे. ह्या बैठकीचं जे काही आता रूपांतर आहे, जे काही डिटेल्स आहेत ते मिलिंद सर आपल्याला आता समोर मांडणारच आहेत. तर मी विनंती करते मिलिंद दहिवले सरांना की आम्हाला ऍज अ मेंबर, फक्त मेंबर नाही, ऍक्टिव्ह मेंबरही म्हणू शकते, बरेच लांबून लांबून फक्त आपण ही चर्चा करण्यासाठी आलो आहे तिथे वेळात वेळ काढून, तर ह्या विषयावर आम्ही कसं काम करायला पाहिजे आणि आम्ही काय करायला पाहिजे की आपण ह्या न्यासला अजून एक चांगलं बळ देऊ शकू, तर आम्हाला मार्गदर्शन करावं, आम्हाला यामध्ये आमची कार्यकारिणी सांगावी अशी मी मिलिंद सरांना विनंती करते. नमस्कार सर्वांना, माझा परिचय तर सर्वांना माहीतच आहे. ॲडव्होकेट विजयता कांबडे मॅडमनी मला काही दिवसापूर्वी सांगितलं की सर, महिलांसाठी काहीतरी करायचं आहे आणि महिलांसाठी आपल्याला एक व्यासपीठ निर्माण करायचं आहे. ॲडव्होकेट विजयता कांबडे मॅडम के साथ जब हम लोग कोर्ट में काम करते हैं या सोशल सेवा में काम करते हैं तो एक सब काम करते समय बहुत सारी ऐसी समस्याएं और तकलीफें सामने आई कि केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के पास जब कोई महिला उत्पीड़न का केस आता है तो उसको उठाने के लिए, उस मुद्दे को उठाने के लिए या उस केस को आगे रन करने के लिए, उस केस का पूरा तफ्तीश करने के लिए और संगठन का नाम जो तरीके से है, वो जो तरीके से केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैच नहीं हो रहा था. हमारे साथ करीब 10-12 सालों से काम करने वाले
नंदा राउत मैडम, आज भी महिलाओं के लिए महिला उत्पीड़न के जो तकरार वहाँ आती है अमरावती में, वहाँ वो काम करते हैं, उनका भी कहना था कि सर एक ऐसा व्यासपीठ हमको चाहिए कि जो हम महिलाओं के हक की और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसा नाम हो जिसमें बहुत सारा बल हो। तो एक दो नाम सजेस्ट किए गए थे, और आपको मालूम है आजकल राष्ट्रीय, उसके बाद में क्राइम, उसके बाद में बाकी सब चीज़ों के ऊपर अभी बैन है, ऐसे नामों के टाइटल संस्थाओं को मिलते नहीं हैं। हमने नेशनल वुमन विजिलेंस मिशन भी रखा था, मगर वो भी नाम हमको मिला नहीं। फिर बाद में हमें वुमन ग्रेवरेंस रेड्रेशल ट्रस्ट ये नाम मिला। अब ये संगठना बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष के अंदर ये शुरू हो रही है। इस संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था को बनाने के लिए यानी क्या ऐसी आवश्यकता गिरी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक संगठन है जो हम लोग केंद्रीय मानवाधिकार संगठन हम 10-12 साल से चला रहे हैं, ये ऑलरेडी संगठन है हमारे पास। मगर ये संगठन में काम करते समय हमें ऐसा लगा कि ऐसे कुछ छोटे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ होने चाहिए। हमने कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, मगर जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा काम होता है और नाम उनका होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का एक अलग से विंग होना क्यों ना हो। तो इसलिए हमने अभी ये महिला तकरार निवारण न्यास इसकी शुरुआत की है। ज़रूरी नहीं कि ये महिला तकरार निवारण न्यास महिला के नाम से है तो सिर्फ महिला ही इसके अंदर कार्यान्वित होंगी, उसमें पुरुष भी कार्यान्वित रहेंगे, पुरुष भी इस कमेटी के अंदर लिए जाने चाहिए, ऐसा एडवोकेट विजेता गानर मैडम ने हमको लास्ट टाइम सजेशन में दिया था, तो हमने कुछ जेंट्स लोगों का भी क्लॉज उसके अंदर डाला है। तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, ये पुरुषों के हित के लिए भी है, क्योंकि महिला तकरार निवारण न्यास में महिला की तकरार जाती होंगी तो पुरुष की भी तकरारें वहाँ आती है, तो पारिवारिक समस्या जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये घरेलू हिंसाचार अधिनियम 2008 के अंतर्गत ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये सब काम करते समय हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो महिला तकरार निवारण न्यास है ये बहुत अच्छी तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर काम करेगा, और महिला जो हमारे पास आएंगी, जो भी विक्टिम हमारे पास आता है और जो जस्टिस की न्याय की गुहार लगा रहा है हमारे पास, क्योंकि कानून जो है वो बना हुआ है, आज न्याय की देवी अगर आप देखेंगे तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और न्याय देवी के हाथ में जो तराजू है, एक पलड़ा नीचे है तो एक पलड़ा ऊपर है, यानी समतोल भारोभार न्याय देवी के पास में तराजू नहीं है, कई एक पलड़ा नीचे और एक पलड़ा भी ऊपर आ रहा है, और न्याय देवी की आंखों पर जब पट्टी लगी हुई है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब कोर्ट में ही जाना, पुलिस स्टेशन में ही जाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी कोर्ट के अंदर भी इतने सारे केसेस हैं कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे, तारीख चलती रहती है, केसेस बढ़ते रहते हैं, केस को एविडेंस होते हैं, बाद में प्रेजेंटेशन होता है, बाद में विटनेस तपासे जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा समय जाता है, और अगर कोई केस अगर 2010 में दर्ज हुआ होगा तो ये 2023 में अगर उसका अगर कहीं रिजल्ट आ रहा होगा तो आप समझ सकते कि 13 साल उस इंसान को न्याय देने के लिए लगा हुआ है, यानी न्याय दान देने के लिए वो इंसान को इतना समय लगा है। तो सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही जाना, कोर्ट में ही जाना, ये कोई पर्याय नहीं है, उसके बीच के भी रास्ते हैं। हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से, हम काउंसिलेशन के माध्यम से, हम समुपदेशन के माध्यम से भी ऐसे मसलों को निजी लेवल पे सुलह कर सकते हैं, और महिला तकरार निवारण केंद्र हर जगह पर है। पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं पर भी अगर कोई केस जाता है तो सबसे पहले आपको महिला तकरार निवारण में ही भेजा जाता है, मगर ये महिला तकरार निवारण जो है ये नाम दिया हुआ एक प्रकल्प है कि महिलाओं की जो तकरार आती है उसका निराकरण करने के लिए महिला तकरार निवारण केंद्र की स्थापना की गई है, मगर उस केंद्र के अंदर काम कौन करते हैं, जो NGOs में जिन्होंने वुमन एक्ट में घरेलू हिंसाचार कायदा 2008 के अंतर्गत जिनको अच्छी कानूनन जानकारी है, जो अच्छे परिवारों को समुपदेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर परिवार का मैटर जब आता है तो ज़रूरी नहीं कि बस वो विभक्त हो, वो जो भी उनके मनमुटाव है वो दूर होके वो दोनों भी व्यक्ति अपना संसार अच्छे से चलाएं। किसी का संसार उध्वस्त हो ये कोई भी संस्था नहीं चाहती है, और जो महिला तकरार निवारण केंद्र के पास जो भी केसेस आती है तो वो समुपदेशन के माध्यम से सॉल्व होने की कगार पर रहती है। अगर महिला समुपदेशन केंद्र के माध्यम से अगर ये केस सॉल्व नहीं होती है तो ये केस फिर पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर होती है,
फिर पुलिस स्टेशन एनसी देता है, ठीक है, तो उसे कोर्ट में जाने के लिए उसको मुभा मिलती है, वो कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट जाने के बाद आपको मालूम है आपको एडवोकेट करना है, जिसके पास अगर पैसा है तो एडवोकेट हायर कर लेगा, मगर वो गरीब महिला जो बर्तन घसती है, जो कपड़ा धोने का काम कर रही है, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रही है, ऐसी महिला जिसकी पढ़ाई नहीं है उतनी, उस महिला के ऊपर यदि कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो महिला न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? एडवोकेट तो कर नहीं सकती है, एडवोकेट के लिए फीस नहीं है। आज कोई भी एडवोकेट अगर होगा तो वो सोशल एलिमेंट, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं आते, बहुत ही कम। जैसे एडवोकेट विजेता कांबड़े मैडम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज वो एडवोकेट है, आज वो अपने क्लाइंट को हैंडल करने जाएंगे, अपने ऑफिस के चैम्बर में जाकर बैठेंगे, 10 विजिट अगर उनके क्लाइंट अगर आते हैं तो उनका वो काम है, बराबर है। कोई भी नहीं चाहेगा कि भैया उनका जो क्लाइंट है वो ना आए या क्लाइंट को अटेंड ना करे, वो क्यों अपना काम छोड़ के इस सोशल सर्विस में जुड़े हुए हैं, बराबर। कोई भी चाहेगा कि भैया मैं 4 पैसे कमाऊँ, तो एडवोकेट के पास इतनी सारी केसेस आती है, फिर भी एडवोकेट्स का एक धर्म होना चाहिए कि 2-4 केसेस तो भी उन्होंने फीस न लेते हुए लड़ने चाहिए। तो मैडम ने जब ये सब चीज़ें हमको बताई तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, अब हमारे पास जो एडवोकेट्स है, हमने जो संगठन के माध्यम से 10-15 हज़ार एडवोकेट्स का लीगल लॉ पैनल हमने अपॉइंट किया है, तो वो पूरे एडवोकेट्स से सबसे बात हुई है, तो सब लोगों ने बोला है कि हम सर आपके लीगल लॉ पैनल के अंतर्गत काम करेंगे, भारत के कोने में कोई भी इस तरीके का अगर केस आता है, महिला उत्पीड़न का मामला आता है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग फ्री फंड में लड़ेंगे। यदि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उस राज्य के अंदर में हमारा एडवोकेट्स नहीं है, तो हम जिला विधि सेवा प्राधिकरण के तरफ से उस महिला के केस को दर्ज करा के उसको निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाएंगे, एडवोकेट्स दिलाएंगे, और उस महिला को आखिरी दम तक न्याय मिलने तक हम प्रयासित रहेंगे, काम करेंगे, उसको न्याय मिला कर देना। ये अब महिला तकरार निवारण न्यास इसका काम है। तो महिला तकरार निवारण न्यास ये भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये न्यास पूरे भारत के अंदर जितनी भाषा लिखी जाती है, बोली जाती है, ऐसे सभी भाषाओं के अंतर में ये संगठन काम करने वाला है। जैसे हम लोग यहाँ से वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ से हम लोग आंध्र प्रदेश जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ से हम लोग गोवा जाते हैं, कोंकण जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज अलग है। तो हम हर लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर उसमें ऐड करके बहुत ऐसा बड़ा वर्क अभी हमारा शुरू हो रहा है। इसका डोमेन हमने परचेस कर लिया है, डोमेन परचेस के बाद ऑनलाइन इसके पूरे सॉफ्टवेयर्स, जो हमारा आईटी सेल हमारे संगठन की तरफ से काम करता है, वो अभी आईटी सेल हमारा काम कर रहा है। जल्दी ही हमारा आईटी सेल पूरा काम कंप्लीट करके औपचारिक महिला तकरार निवारण न्यास की, वुमन ग्रेवरेंस रेडिशल ट्रस्ट की औपचारिक वेबसाइट कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी। उस वेबसाइट पर जितने भी स्टेट है उस स्टेट का एक ब्लॉग दिया जाएगा, भविष्य में निर्माण होने वाले स्टेट, भविष्य में निर्माण होने वाली बोली जाने वाली भाषा है वो सब उसके अंदर में भविष्य में ऐड होंगी। भविष्य में ऐसे राज्य जो नए स्थापित होंगे उनकी भाषा है और उनके स्टेट भी उसके अंदर में क्लिक होंगे। यदि कोई महिला एक ग्रामीण गांव से है और उस महिला के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आज भारत में बहुत बड़ी क्रांति हुई लॉकडाउन के पहले, अब 2019 के बाद जो नया दौर आया, ये जो नया सरकार आया, उसके बाद हर इंसान के हाथ में आज दिखता है एंड्रॉयड मोबाइल। बीच में लॉकडाउन के बाद में एजुकेशन था, ई एजुकेशन था, ई एजुकेशन के माध्यम से बहुत से लोगों को जूम मीटिंग क्या होता है ये समझ में आया, लेकिन जूम मीटिंग में तो क्या होता है पता नहीं था। जब मोबाइल नया नया आया था, नया व्हाट्सअप आया था, तो हमको 1.5 साल बाद पता चला कि व्हाट्सअप भी कुछ चीज़ होती है जहाँ पे कुछ इमेजेस या कुछ टेक्स्ट मैसेज का आदान प्रदान किया जा सके।
जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है अपने देश के अंदर में, नया अपडेट आता है, तो वो समाज का भला करने के लिए आता है। तो आज जिन जिन के हाथ में मोबाइल है, अभी गूगल पे चल रहा है, गूगल पे से लोग पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आसान हो रही है धीरे धीरे। आज अगर कोई महिला को तकलीफ है या महिला को अगर महिलाओं के हक और कानून की जानकारी चाहिए, तो महिला अगर गूगल पे अगर सर्च करती है कि महिला के अधिकार क्या है, तो आपको महिला राइट्स के बारे में आ जाएगा। आपको अगर वुमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करना है, तो वो भी आप डालेंगे तो आपको वो सब आ जाएगा। तो अब मोबाइल आपका एक ऐसा अभिनव अंग बन चुका है कि आज के तारीख में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। पहले मोबाइल बड़ी बात हो जाती थी, मोबाइल बहुत छोटी बात हो गई है। आज जो इंसान लाख रुपए कमाता है, वो भी डेढ़ डेढ़ लाख, दो दो लाख का मोबाइल यूज़ करता है। जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान आज के तारीख में है, वो भी मोबाइल आज 10-15 हज़ार रुपये का लेके यूज़ कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन हर महिला डाउनलोड करेंगी, हर भाषा में डाउनलोड करेंगी, हर भाषा में उस ऐप का क्रिएशन रहेगा। उसमें महिलाओं के जो राइट्स है, जो हमारे संविधान ने उनको मौलिक अधिकारों में पारित किया है, और जो घरेलू हिंसाचार कायदा 2008 के अमेंडमेंट के चीज़ें हैं, जो नए नए घरेलू हिंसाचार कायदे के अंदर में जो अमेंडमेंट आए हुए हैं, वो सभी क्लॉजों का हम उसके अंदर डाल रहे हैं। वो पढ़ना है आपको, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको सिलेक्ट करके आप उसको पढ़ सकते हो। कोई भी महिला की अगर कोई शिकायत है, तो वो शिकायत अगर वो महिला करना चाहती है, तो उसको एप्लीकेशंस आएगा कंप्लेंट के लिए, ठीक है। वो जाएंगे, अपना नाम टाइप करेगी, अपना एड्रेस टाइप करेगी, अपना पुलिस थाना टाइप करेगी, अपना एरिया का पिन कोड टाइप करेंगी, उसका डिस्क्रिप्शन का भी कॉलम रहेगा, जिसमें उसको लिमिटेड वर्ड्स दिए जाएंगे, उतने ही वर्ड्स में उसको टाइप करना है। नहीं तो होता क्या है, बात इतनी सी होती है, पूरी दिन लिखी जाती है, मतलब नहीं तो संक्षिप्त में उसका वो पैरा उसको लिखना है। उसके बाद वो उसको सेंड करेंगी, सेंड करने के बाद उसको एक OTP आएगा। OTP सेंड करने के बाद में ये सीधा हमारे लीगल सेल के पास पहुंचेगा, जो हमारा जो लीगल सेल है जो इसको वॉच करेगा, और लीगल सेल जो वॉच करेगा उसके पास वो कंप्लेंट आएगा, और वो लीगल सेल वहाँ पे जजमेंट लेगा कि ये केस कहाँ सबमिट करना है। यदि कोई महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र में कहाँ से है, विदर्भ से, तो विदर्भ में जाएगा वो। यदि ये केस पश्चिम महाराष्ट्र का है, तो पश्चिम महाराष्ट्र में कौन लीड कर रहा है, तो ये केस पश्चिम महाराष्ट्र को जाएगा। और जहाँ जहाँ भी ये केसेस जाएंगे, वहाँ पे हमारी एक समुपदेशन कमेटी रहेगी। जो समुपदेशन कमेटी होकर ट्रेनिंग हुए हैं, जो जो समुपदेशन कमेटी के अंदर जो लोग आए थे, उनके IFSC कोड, उनका अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल्स 2 दिन से मंगाए गए थे। आज मेरे ख्याल से 3-4 लोगों के ही मेरे पास आ चुके हैं, तो उनका हमने अपडेट डाल दिया है। तो जो मानधन हमें संस्था के माध्यम से उनको देना है, जो वो काम करेंगे, तो वो उनके खाते में जमा होगा। दूसरा दिया गया था कि जो कॉन्सिलेशन सेंटर्स हमारे शुरू होंगे, जो हमारी समुपदेशन अधिकारी वहाँ वर्क करेंगी, या जहाँ पे हमारे सेंटर नहीं है वहाँ कोई स्टाफ वर्क करेगा, या वहाँ पे स्टाफ नहीं है सेंटर है, तो उस सेंटर के अंदर भी जो जो काम करेगा, उनको कुछ टूल्स दिए जाते हैं। इसमें के अंदर अभी मोबाइल एप्लीकेशन तो 4-5 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा, वेबसाइट भी कम से कम 10-12 दिन के अंदर में वो पूरा उसका डिज़ाइन हो जाएगा। हमारे महिला तकरार निवारण न्यास, जो भी महिलाएं काम करने वाली है, उनका हम लोग ड्रेस कोड फाइनल कर रहे हैं। एक ड्रेस कोड रहेगा, उसको बैचेस देंगे हम, उनका आइडेंटिटी कार्ड देंगे। आइडेंटिटी कार्ड देने के बाद उनको ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे। अब उनको जो हम लोग दे रहे टैब और लैपटॉप दे रहे, तो जो मोबाइल से आप ऑपरेट कर सकते हो तो मोबाइल से ऑपरेट करेंगे, जो टैब से ऑपरेट करना चाहता है वो टैब से ऑपरेट करेंगे, जो लैपटॉप से ऑपरेट करना चाहता है वो लैपटॉप से ऑपरेट करेंगे। फ़र्क इतना है, जिनके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल से काम करे, जिसके पास टैब की ज़रूरत है तो वो संस्था से वो टैब को परचेस करे, बराबर है, और वो परचेस करके वो टैब में काम करे। टैब में आप काम करेंगे तो आप एविडेंस ले सकते हो, विटनेस ले सकते हो, बयान ले सकते हो, आप उनका रिकॉर्ड कर सकते हो हर चीज़, यानी उसके अंदर में और सारा हमारा जो सिस्टम रहेगा, जो ऐप हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो टैब में अच्छे तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे, जितना मोबाइल में नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो इंस्टॉल करके हमारे जो सॉफ्टवेयर्स नए हमने जो डेवलप किए हैं, वो डाल के जो हम हमारा लैपटॉप देंगे, उस लैपटॉप के अंदर भी आपको सभी फॉर्म्स मिलेंगे, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म 12, जो भी हमने अभी नए तरीके से रेडी किए हैं, साक्षरता पास के जो फॉर्मेट्स होंगे वो होंगे। अब वो सब लैंग्वेज अलग अलग है, महाराष्ट्र में आएंगे तो हम उसको मराठी में करेंगे, यही बात अगर हिंदी साइड में जाएंगे तो हिंदी में आएगा, वही अगर साउथ में जाएंगे तो लोकल लोकल लैंग्वेज के अंदर में वो पूरे सॉफ्टवेयर रहेंगे,
आपको सिर्फ वो फॉर्मेट पे जाना है और वो ट्रांसलेट होकर पूरा वो आ जाएगा आपको स्क्रीन पे, आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। तो ये सब काम करने के लिए, ये सब वर्क करने के लिए करीब करीब आपको जो समय जाएगा वो तो जाएगा। अब आप लोगों को नहीं समझ में आया उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, मगर जितना समझाना है हम उतना समझाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सभी समुपदेशन सेंटर के लिए एडवोकेट लवली सिंह मैडम ने, एडवोकेट करुणा त्रिवेदी मैडम ने ये चीज़ बोला है कि आप MSW, BSW, MBA ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को ही सिलेक्ट करो। मगर हमने उनको ये चीज़ बोली कि मैडम हमारे पास जो लोग ऑलरेडी महिला मंडल हमारा काम कर रहा है, जो हमारे साथ 7-8 सालों से जुड़ा हुआ है, भले उनका उतना एजुकेशन नहीं है मगर पुलिस कस्टडी क्या होती है, महिला की महिलाओं को कैसा जस्टिस दिलाया जाए, अगर कोई महिला को अगर तकलीफ हो रही है तो उसके केस कैसी ली जाए, महिला कभी कभार डर के मारे में कुछ चीज़ें बोल नहीं पाती है, तो हमारी जो महिलाएं होती हैं वो कॉमन लेवल में होती है और कॉमन ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, तो वो महिलाएं हमारी महिलाओं को अच्छे से समझा पाएंगी, बता पाएंगी, अपने दुख और अपने व्याधि को उनके समक्ष रख पाएंगी। इसलिए हमने बोला कि मैडम हम हमारे जो संगठन से जो लेडीज़ जुड़ी हुई है, जो हमारे संगठन में निस्वार्थ भाव से 4-5 सालों से काम कर रही है, जिसे हमने आज तक के ऐसा कोई प्रकार का मानदंड नहीं दिया और ना ही उन्होंने कभी हमसे अपेक्षा की कि संगठन हमें मानधन देगा और संगठन के मानधन के ऊपर हम काम करेंगे, हमारा घर चलाएंगे। ऐसी कई महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही है, काम कर रही है और उनको कई भी दिक्कतें जाती है तो संगठन के पास उनका अगर कोई भी शिकायत आता है तो हम उनका बिल्कुल सॉल्व करते हैं। उनके बच्चों से प्रॉब्लम होंगे या उनके बच्चों के एजुकेशन के प्रॉब्लम होंगे, उनके हस्बैंड के कुछ भी प्रॉब्लम होंगे, तो संस्था के माध्यम से हम लोग उनका पूरा सॉल्यूशंस और सॉल्व कर ही रहे। कोविड के समय पे जो जो लोगों की तरफ तकलीफें थी, हम संस्था के माध्यम से नंदा गौड़ी सर थे, हम थे, बाकी के भी जितने भी लोग थे, हम सब लोगों ने मिलकर जिनको जो चाहिए वैसे मदद करने का हमने काम किया। अगर हमने हमारे संगठन के लोगों को टूटने से रोका है, हमारे साथ में जो अभी करीब आप देखे होंगे कि 2023 चल रहा है, 2022 तक के करीब हमारे पास में जो डाटा था वो करीब करीब 2-2.5 लाख लोगों का डाटा था, जिसमें से 1 लाख लोगों का डाटा हमारा अभी स्किप हो चुका है। उसका कारण ये है कि समय पे परिचय पत्र का रिन्यूअल नहीं करना। दूसरा कारण ये था कि संस्था के नियम को बिल्कुल बाजू में रखकर संस्था के कोई भी नियम के अनुसार काम नहीं करना, अपने ही खुद के नियम बना के काम करना, संस्था की कोई प्रकार की मीटिंग वहाँ नहीं होने देना, संस्था के प्रोग्राम्स में बाधा डालना, संस्था के कार्यक्रमों को तोड़ने के लिए और लोगों को तोड़ने के लिए फ़ोन कर करके उनको समझाना कि दही वाले अच्छा नहीं है, दही वाले का काम खराब है, दही वाले बेकार है, वो तुम्हें क्या देगा, ऐसा बोल बोल के जो जो लोगों ने कॉल्स करके इधर उधर जो भी मिसकम्युनिकेशंस किया है उसके कारण कुछ लोग भी कम हो गए। तो दही वाले क्या है, तो मेरी बहन राउत मैडम पहचानती है मुझे, एडवोकेट विजेता मैडम मुझे पहचानते हैं, आप सभी माता बहनें मुझे पहचानते हैं कि दही वाले कौन है और दही वाले संगठन में क्या काम करता है और दही वाले के वर्क जो बोलते हैं वो कैसे करते हैं वो सबको मालूम है, वो कोई परे नहीं है, हम तो काम करते हैं। अभी हमने गोवा का एक प्रोग्राम किया था, गोवा के प्रोग्राम में भी हमने कई लोगों को यहाँ से ट्रिप के माध्यम से लेके घुमाने की कोशिश की और उनको अवार्ड देने की कोशिश की, बराबर है। तो ऐसे प्रोग्राम हमारे अभी वापस से और चलने वाले हैं, वो तो रुकने वाले हैं ही नहीं। मगर जो लोग नहीं आ पाए वो टिका टिप्पणी रखते, वो बोलते कि कोई इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम था, कोई बोलते कि वो तो ट्रिप का कार्यक्रम है, अभी संस्था के पास यही काम बचा हुआ है। आपने देखना चाहिए था कि वहाँ पे कहाँ के लोग आए थे, वहाँ राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह के, कर्नाटक से भी आए थे, तो लोगों से वहाँ के काम सीखने को मिलते हैं। ये सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया जाता है कि जो दूसरे स्टेट का आदमी है इधर के स्टेट में आता है तो उनका काम कैसा होता है वो देखने के लिए, परखने के लिए, लोगों के प्रेजेंटेशन को चेक करने के लिए ही ऐसे सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे लाखों रुपए संगठन नहीं खर्चा कर सकता क्योंकि संगठन के पास ताकत नहीं है, संगठन के पास फंड नहीं है। मिलिंद देवले कहीं से भी यहाँ वहाँ से मंके लाता है और कार्यक्रम कर लेता है, वो मेरा स्किल है और मुझे शौक है, और जो शौकिया तौर पर काम करता है वो कभी बिजनेसमैन नहीं हो सकता। इसके लिए सर अपन को प्रोपोगंडा वगैरह करना पड़ेगा छोटे मोटे द्वारा? नहीं, आपको किसी को जाने की जरूरत नहीं, तो उसके ऊपर आऊंगा मैं। मेरा कहने का मतलब था कि आप जब तक सेमिनार्स अटेंड नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आज मैंने लिखा था कि आज ऐसा सा हम औपचारिक रूप से घोषणा कर रहे हैं हमारे कार्यकारिणियों का, हम लोग ये कर रहे हैं, तो एटलीस्ट नागपुर में जितने भी हमारे महिला वर्ग था वो यहाँ आ जाना चाहिए था, तो नागपुर का महिला वर्ग भी यहाँ पे नादरक है, जो भी महिला वर्ग यहाँ पे उपस्थित हुआ है तो उनको लेके हमने आज की औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। मनमुठाव
नाराजपन, रुसवापन, ये कोई भी संस्था में चलता रहता है, हमारे घर में भी ये सब चीज़ें होती है, तो इसको माइंड को बाजू में रख के हमें अच्छे तरीके से मजबूत होकर कंधे से कंधा लगा के काम करना है, क्योंकि इस समाज के अंदर में एक ही सबसे बड़ा जाति है, वो है मानव धर्म है, वो है मानवता, और दो ही जाति है, एक है स्त्री और एक पुरुष। अगर हम अगर मानवता को अच्छे तरीके से और इंसानियत के माध्यम से अगर हम लोगों को अगर मदद करेंगे या उनके साथ अगर काम करेंगे, ये सबसे बड़ा काम रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मुझे मैडम ने बोला है कि आप संस्था को किस तरीके से चलाने वाले हो, क्या क्या आपके आगे के एजेंडे रहने वाले हैं, बताने के लिए मैडम ने मुझे बोला है, तो मैं सामने इस चीज़ों के लिए प्रकाश डालने के लिए आऊँगा। और उसके पश्चात आप लोगों कुछ राय, सोल्यूशन, सजेशंस ये भी लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआती तौर पे एक एक व्यक्ति से लेंगे, आप अपना अपना परिचय बताएंगे और अपने अपने और आप मेरे बारे में बताएंगे, आपके बारे में बताएंगे, और आपको अभी ये जो नया हम शुरू कर रहे हैं महिला तकरार निवारण न्यास, तो उसमें आपकी क्या क्या अपेक्षाएँ हैं और क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो वो भी वार्ता आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे के टॉपिक पर आऊँगा। मैं नंदा राउत अमरावती से आई हूँ। मैं 15 तकरार निवारण केंद्र चलाती हूँ, लेकिन कैसा है सर, बोले थे KMA WPW, मैंने वो भी देखे है सर। जैसे अपने वो डिग्री पे रहते, हम डिग्री पे नहीं है लेकिन अनुभवी है। वो एक दिन एक सेंटर में वो MAW वाला और मैं अनुभवी, तो ये दोनों का एक फैसला हो गया था। जैसे एक जेल ने बोला था कि नहीं भाई वहाँ पे डिग्री वाला होना अपने को, मैंने बोली ऐसा कुछ है नहीं, मंत्री जनती रहते वो डिग्री वाले कहाँ से, तो हमारी काय को तुम डिग्री मांग रहे, हम अनुभवी है, उनको बिठाओ और हमको बिठाओ, दोनों में फर्क क्या है बाद में तुम बता सकते हो हमको। तुम जेल जाए, हम नॉर्मल आदमी दोनों तुम्हारे सामने बैठे, एक डिग्री वाला और एक बगैर डिग्री वाला। हम दोनों बैठ गए अपने अमरावती की कोर्ट की बात है, तब बैठने के बाद में जो MAW वाली थी लड़की, वो बहुत पीछे रह गई मेरी और मैं बहुत आगे निकल गई। वो सवाल जवाब चालू थे तो MAW को पूछ रहे थे, वो बोले मैंने नहीं पढ़ाया, बोले सिर्फ मैंने बोले वो सुना था, बोले सिर्फ उनकी पढ़ाई सुना था और बोलने में हो गई, वो लिखने में हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं हो गई थी। जो हम अनुभवी लोग हैं वो प्रैक्टिकल में कर रहे, महिला मंडल चला रहे, डोर टू डोर जा रहे, हम लोग देख रहे कि महिलाओं को क्या तकलीफ है भाई। तो MAW वाले ने देखा नहीं, सिर्फ पुस्तक में किताबें में पढ़ाई उन्होंने और किताबें में लिखा। इसलिए मेरा सर को ये भी कहना है कि MAW रखो डिग्री वाले होना तो, लेकिन पहली बार अनुभव वाले को ले लो, वो ज़्यादा अपने समस्या को अच्छे से चलाएंगे और महिलाओं को अच्छे से न्याय देंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैं सर को भी ये राय दूँ कि भाई तुम अनुभव वाले रखो, MAW रखेंगे मैडम आपको, लेकिन अनुभवी वाले भी रखेंगे। जो है अपनी वो अपन जैसे बोलते कि धुपड़पट्टी वाले लोग नहीं होना भी, ये इसके तो मैं बहुत सामने वालों को डांटती भी, मेरे को गुस्सा भी आता। जब अपन कावली में जाते सर वो रिस्पॉन्स नहीं मिलते, अपने रहते स्टैंडर्ड लोग सब, जब अपन धुपड़पट्टी में जाते तब वो लोग बोलते कि मैडम आओ चाय पियो पानी पियो, और कावली में जाते तो वो अपने को गेट पे भी खड़ा करते, अंदर आने की भी इजाज़त नहीं देते। ठीक है माहौल खराब है, लोग अच्छे अच्छे नहीं आते, लेकिन कैसा जो झोपड़पट्टी में अपने को रिस्पॉन्स मिलता ना वो कॉलोनी में नहीं मिलता। तो अपन जो अपने सेंटर है अपने को तो पुलिस स्टेशन में लेना ही है रूम करके, अपन उनको करेंगे, लेकिन पहली बात मेरे झोपड़पट्टी में अपन कॉलोनी सेंटर जाएंगे तो बहुत बढ़िया चलेंगे। प्रॉब्लम तो बड़े बड़े लोगों की भी है, जेल की भी है, सिटी के भी है, SP की भी है और जलर की भी है। अपन बोलते कि आम जनता है अपने झगड़ते भी नहीं, जलर की भी केस आई हुई है अपने पास में तकरार निवारण केंद्र, वो तो जलर थे, उनको क्या जरूरत थी अपने सेंटर में आने की, लेकिन वो भी आए थे। और एक DP थे वो भी आए हुए, अब नाम किसका ले नहीं सकते, मीडिया के सामने बात कर रहे हैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले सकते। और PSI और थानेदार के साथ एक एक केस रहती हमें, जो भी वो कानून के गवर्नमेंट के अंतर्गत जिला महिला बाल कल्याण के अंदर तक चलते मैडम, वो सेंटर से अपने सेंटर तक कितने आगे चल रहे, अपने पास केसेस भी है, रिकॉर्ड भी पूरा है कि कितने केस आई है। अभी सर ने बोला कि गरीब महिला कहाँ जाएंगी, एडवोकेट के पैसे नहीं देते, फी भरने की उनकी इज्जत, हमारे ऑफिस में 10 हम पैसे लेकर करेंगे पावती ये करेंगे, लेकिन 2 केसेस तो हम फ्री में करेंगे, किसी के पास पैसे रहो नहीं रहो हम उनसे काम कर लेते, ना एडवोकेट का काम गिने देते ना हमारे।
सब फ्री में अप्रूव कर दी। हमारे अभी ऑफिस से दो केसेस आए थे, उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं मिल रहे थे, वो बोले कि कोर्ट से आर्डर लाओ। अभी देखो 2 महीने की बच्ची कोर्ट में कब जाएंगी, कब कोर्ट वाले आदेश देंगे उनको निकाल के। उनके माँ को इतनी तकलीफ हो रही थी, सबकी पूछो मत। पुलिस स्टेशन में गए, वो अकोला कहीं पुलिस स्टेशन में, वो बोले नहीं बोले कोर्ट से लाओ, बोले तब हम बच्चे दे सकते। बाद में इधर महिला मंडल में घूमे, एडवोकेट के पास में भी घूमे, पुलिस स्टेशन में रात भर रहती वो बिना खाते के बैठ गई वो सिविल लाइन में, लेकिन वो पुलिस वाले भी नहीं मिली सुनी उनकी बात। लेकिन हम और मैं और तेरा मैडम हम दोनों गए, नंदू भैया थे हमारे साथ में, अब जीरो रातों रात थे वो बच्चे को माँ को लेके। फिर थानेदार की और मेरी कहा सुना हो गई, हमने बच्चा दूसरे दिन 12 बजे लाए बिना कोर्ट के आदेश के, बिना इसके, वो भी अपने ह्यूमन राइट की तरफ अप्रिशिएट करने वाली बात है। हाँ, इसलिए ऐसे हमारे अनुभव है। नमस्कार, मैं एडवोकेट विजयता सुहास कामले। कुछ चेहरे हैं यहाँ पर जो हम हमेशा अपनी जब भी बैठक होती है तो हम मिलते हैं, सर से, मैडम से, मैडम से अच्छी एक अच्छे परिचय है। अभी जो हमें सर ने डिटेल्स दी है कि हमें इस न्यास के अंदर अंतर्गत हमें क्या काम करने हैं, ऑब्वियस है ये हम आज की बैठक में हमारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व नहीं होने वाले। इस पर हमको और भी बहुत सारे हमारे सवाल जवाब, फिर क्वेरीज बहुत सारी रहने वाली है। तो पर एक शाश्वती बोलेंगे, मिलिंद सर को मैं शाश्वती ज़रूर देना चाहूँगी कि ये जो संगठन, ये जो महिला तकरार निवारण न्यास हमने जो शुरू किया है, इस पर हम पूरे दिल से, पूरे मेहनत से ज़रूर हम काम करेंगे। हम जितनी कोशिश हो सकती है हमारे तरफ से, जहाँ जहाँ हम सेंटर्स ओपन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम केसेस ले सकते हैं, उस अंतर्गत हम केसेस ज़रूर लेंगे। जो भी हमें क्वेरीज आएंगी तो हमें सर का तो मार्गदर्शन रहेगा ही। मैं एक जो हमारा ये जो टॉपिक है उस पर एक सर से ही रिलेटेड एक बात ज़रूर बोलूँगी। एक पॉजिटिव थिंकिंग, हम रोज सुबह चाय पीते हैं तो टी सर के लिए मैंने एक मराठी में बोलते ब्रीद वाक्य, तो एक टी मैंने एक इनके लिए एक लिखा हुआ है, सुना सुनाया ही है। टी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एफर्ट्स, ई पॉजिटिव एफर्ट्स, और ए मींस पॉजिटिव एक्शन, दैट इज कॉल्ड मिलिंद रहीवाले सर। तो महिला तकरार निवारण न्यास हमें ये टी को लेके हमको काम करना है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एफर्ट्स और पॉजिटिव एक्शन, फुल एफर्ट्स के साथ हम काम करने वाले हैं सर। बस आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा हमारे साथ रहे, बस अपेक्षा यही करते हैं। रोशनी बहरे आहे, मला एक्सपिरियन्स म्हणजे मी सरांसोबतच बरेच वर्ष काम केलेलं आहे, तर कोविडपासून माझ्या पुढाकारांशी मी जोडलेली आहे। सरांनी मला, आम्ही एका मुलीचं म्हणजे एक केस होती, आम्ही सरांना भेटलेली, तर तिचा नवरा लग्नानंतर तिला घरातच घेत नव्हता, तिचं छोटंसं बाळ होतं। तर मी सरांसोबत असंच स्टेटस बघितला तेव्हा कोणतं वेगळंच होतं, की महिला जागरूकता काहीतरी ते अभियान आलं, ते बघून मी सरांना भेटली आणि सरांना त्या तिच्याबद्दल सांगितलं। सरांनी म्हटलं की चला आता आपण मुली बोलून बघू तिच्याशी। जेव्हा आम्ही दोघं तिथे गेलो आणि तिच्याशी चर्चा केली, त्याच्यानंतर तिला सरांनी सगळं समजवलं काय बोलायचं काय नाही। दुसऱ्या दिवशी तिने आपल्या सासरच्या मंडळीला सगळ्यांना बसवलं, बैठक झाली, बोलली जे सरांनी शिकवलं तिला सांगितलं असं असं बोलायचं, नंतर तिला सगळ्यांनी घरात घेतलं। आता ती इतक्या आनंदित आहे, तिला काहीच त्रास नाही, काही नाही। तर जेव्हा आम्ही वापस गाडीत बसून ऑफिसमध्ये येत होतो, तर सरांनी मला जस्ट म्हटलं की आता तू परत जॉईन कर, तू काहीतरी कर, जशी आधी होती तसं परत करते। हे सगळे पॉझिटिव्ह थिंकिंग माझ्या मनात भरवले सरांनी आणि मग मी परत मग जॉईन केलं आणि बस हां अधिवेशनमध्ये होती आणि आता परत मी प्रत्येक कामात मीटिंगमध्ये ते झालेली गोव्याच्या कार्यक्रमात।
तर मला इथे पण काहीतरी करायचं आहे म्हणून मी सरांशी जुळली आणि सरांना म्हटलं की नाही आता आपण करू माझ्याकडे आताही तोच कॉन्फिडन्स आहे जो आधी होता आणि माझ्या घरच्यांचा पण फुल सपोर्ट आहे त्याच्यामुळे मी परत आले. मी गेल्या 2005 पासून आपल्या याच्यात काउन्सिलिंग सेंटरला म्हणून काम करते आहे. तर सेंटर गव्हर्नमेंटला मी 2005 जुळले, त्याच्यानंतर 2017 मी काम केलं. त्याच्यानंतर मग माझे जे फ्रेंडी आहेत आमदार राऊत मॅडम यांच्यासोबत जुळल्यानंतर यांनी माझं थोडंसं ग्रँड तिथलं कमी झालं होतं आणि पेंडिंग होती. त्याच्यानंतर मी नंदा तेरावसोबत जुळल्यानंतर मग त्यांनी मला खूप स्टँड केलं, मदत केली त्यांनी मला. थोडंसं माझं मेंटॅलिटी थोडीशी खराब झाली होती की बा आपण आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटला होतो, 18-20 हजार पेमेंट घेत होतो, त्याच्यानंतर काय आता. तर त्याच्यानंतर मी कोरोना एकदम आपलं दवाखान्यामध्ये त्याच्यानंतर आम्ही दोघी मी स्वतः संस्था की मॅडमकडे रजिस्ट्रेशन होऊन त्यानंतर स्वतःची संस्था साहेबी समुपदेशन केलं होती. तर त्या दोघी मिळून जॉईन झालो. आत्तापर्यंत आम्ही म्हणजे इतक्या केसेस 2005 काही माझ्यासोबत जुळलेले आहेत. 2005 ते आत्तापर्यंत 1000 ते 1500 वर केसेस झाले आहेत मॅडम माझ्या हातून तरी. म्हणजे कारण ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट असल्यानंतर आणि काही पण तिथे जुळले असल्यानंतर आणि इकडच्या केसेस, तर त्यात इतके अनुभव आहेत की तुम्हाला काही सांगूच नाही शकत मी. इतक्या काही म्हणजे हर प्रकारच्या केसेस, डॉक्टर, पोलीस आणि नॉर्मली कास्तकार वगैरे, बायको राहत नाही, सासू सुनेचे वाद, नवऱ्यांचे वाद, मुलगी येत नाही वाद, तसे 3-3-4-4 वर्षापर्यंतचे जे लोक वेगळे राहत होते त्यांना एकत्रित आणून करणं आणि ज्या निराधार महिला आहेत त्यांचे आधार गृह होते त्यांनी महिलांना आधार देणे, ज्या नवऱ्याकडून तुटलेल्या आहेत, सासऱ्याकडून तुटलेल्या आहेत त्या मुलींचा आधार गृहात त्यांची व्यवस्था करून देणे, अशा म्हणजे सोशल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भरपूर काम केलं आहे. त्याच्यामुळे आता सरांसोबत जुळल्यानंतर तर अजूनच म्हणजे असा होप आला की नाही बा सर, मिलिंद दहिवले सरांनी आपल्यासाठी आणि मॅडमसाठी खूप काही केलं आहे तर आपल्यासाठी पण काहीतरी त्यांच्याकडून आशा आहे. या उद्देशाने मी मानवाधिकारमध्ये दिली आणि आता जवळपास 3 ते 3 वर्ष होत आहे त्या गोष्टीला जुळायला. तेव्हापासून मी सरांचं काम पाहते आहे तर एकदम मला आवडलं आहे सरांचं काम आणि नंदा ते राऊत मला नेहमी सोबत घेऊन चालतात, त्यांचंही अभिनंदन करते आणि सरांचं पण अभिनंदन करते. आणि पुढच्या वाटचालीसाठी सर तुम्ही आमच्या पाठीशी राहा एवढंच आमचं म्हणणं आहे. धन्यवाद. मी शारदा अंकुरे, अमरावती. मी नेहमी सर 5 वर्षापासून मी नंदा मॅडमला जुळलेली आहे. तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येक वेळेला मॅडम जिथे जिथे कार्यक्रमाला गेला तिथे तिथे कार्यक्रमाला माझे केसेस पण असते आणि 5 वर्षापासून सोबतच काम करत आहे आणि सोबतच राहू. नंदा मॅडममुळे आम्ही तुम्हाला जुडलो, तुमचे काम आम्हाला आवडले, चांगले वाटले. कोणी किती काही सांगितलं की मानवाधिकार असा आहे तसा आहे तर आम्ही कोणाचं ऐकणार नाही, ऐकत पण नाही. मानवाधिकारला जुळून राहू, ऐकत नाही. हां, जुळून राहू. तुमच्यासोबत आम्ही नेहमी आहे, जेव्हा बोलावलो तेव्हा आम्ही. तसा प्रश्न आहे की नंदा राऊत आणि मी पहिले खास मैत्रिणीच आहे. 20 वर्षापासूनच आम्ही सोबत आहे, सोशलमध्ये आहे, जे जनतेचे कामं जे राहतात ते आम्ही पहिले सोबतच केलेलं आहे. आणि मानवाधिकारपेक्षा जे महिला काउन्सिलिंग आहे हे तर पहिले आम्ही जुन्या आधीपासूनच करत आहे, पण हे तुम्ही मानवाधिकारमध्ये मी नंदा मॅडमसोबतच जोडलेली आहे. आणि समाजामध्ये जे काही चालतात ते आम्ही प्रत्येक जणांचे कामं करतो, कोर्टातले असो की असो, त्याच्यामुळे आमच्याकडे केसेस आल्यानंतरही याच्या अलावा त्यांच्यावर 376 लाभ होईल लागतो, त्याच्यामध्ये मग मला चांगलं माझ्या हाताला यश आलेलं आहे. मी दयेंद्र देशपांडे, लाखनी तालुका, भंडारा जिल्ह्यावरून आलेलो आहे. जुळलेले जातो काही जो आजचा जो निर्णय घेतला आहे
जवळजवळ पीडित आहेत सुद्धा. तर या माध्यमातून मिलिंद येवले साहेबांच्या सहकार्यानं या जिद्दीनं जोमानं काम करू आणि या योग्य जे आहेत त्यांना न्याय मिळवून देण्यास आम्ही. मी डॉक्टर देवानंद नंदागवली राहणार भंडारा आणि सरांनी जो आता नवीन महिलांकरता जो उपक्रम जे राबवत आहेत हा माझ्या दृष्टीकोनातून एकदम चांगला उपक्रम आहे. कारण खूप जिथे जिथे मी बघतो आता पोलीस स्टेशनला कोर्टमध्ये खूप साऱ्या महिलांच्या केसेस पेंडिंगमध्ये आहेत खूप साऱ्या आहेत आणि एवढे आपशी भांडण आहेत वैयक्तिक पारिवारिक खूप आणि त्यांना काही न्याय मिळत नाही आहे. आम्ही पाहतो जेव्हा कोर्टमध्ये जातो तर महिला तिथे ताटकळत बसलेल्या असतात तिथे दिवसापासून त्यांची केसेस पेंडिंगमध्ये आहेत. लहान लहान बाळाला घेऊन येतात पती समोर राहतो पत्नी साईडला राहते एक दुसऱ्याकडे कोणाकडे पाहू नाही शकत आणि अशामध्ये वाटते की नाही खूप सारा तफावत चाललेली आहे आणि त्याच्याकरता चांगल्या समुपदेशांची आवश्यकता आहे आणि खचितच आपल्या या संघटनेकडून आपल्या महिला अत्याचार निवारण न्यासकडून चांगल्या प्रकारे त्याला प्रतिसाद मिळेल आणि आपण चांगले एकीने चांगल्या प्रकारे आपण काम करू आणि त्यांना न्याय मिळवून द्यायचा प्रयत्न करू. न्यायच नाही तर जे तुटते घर आहे त्या तुटत्या घरांना आपण जोडण्याचा नक्की प्रयत्न करू आणि माझे जे स्वप्निले आहेत अजून जे काही येऊ शकले नाही काही कारणास्तव तर ते पण याला चांगला त्यांनी मला पाठिंबा दर्शवला तर आपण चांगल्या प्रकारे आपण काम करू आणि सरांच्या वेळोवेळी मला मार्गदर्शन लाभत राहते आमच्या म्हणजे एक संभाषण होतच राहतो या बाबतीत तर मला त्याच्याबद्दल काही प्रॉब्लेम तर जाणारच नाही आहेत म्हणजे आम्हाला काम करायला काही प्रॉब्लेम जाणार नाही आहेत आम्ही करू चांगल्या प्रकारे. शहर में ब्लॉक में वार्ड में तहसील में कस्बे में केंद्रीय कमेटियों का राज्य कमेटियों का हर तरह की कमेटी का गठन कर समिति चलाई जाएगी जिसमें अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष संगठन सचिव प्रचार सचिव महिला रक्षा अधिकारी महिला संरक्षक महिला अधिवक्ता एवं अन्य पदों पर महिला एवं पुरुषों की नियुक्ति की जाएगी. यह हर शहर के पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महिला समुपदेशन केंद्र चलाएगा कानूनन महिलाओं को संरक्षण देगा और जो परिवार विभक्त हो रहे हैं उन परिवारों को समुपदेशन करके वो पीड़ित लोगों की सुरक्षा प्रदान करेगा और उनका परिवार टूटने से बचाएगा. इस हेतु संगठन द्वारा महिला रक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी. हर गांव में हर शहर में महिलाओं के लिए वसति गृह का निर्माण किया जाएगा जहां ग्रामीण स्तर के महिलाओं को साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षर बनाने का भी काम किया जाएगा. वैसाई महिलाएँ हैं नौकरी पेशा महिलाएँ हैं गृहिणी हैं विधवा है तलाकशुदा है एकल महिला है उनके लिए स्वयं रोजगार का योजना का लाभ दिलाने के लिए हेतु ये संगठन जिला उद्योग केंद्रों से मिलकर काम करने की कोशिश करेगा. इस देश के अंदर बंदीवान कारागृह में जो बंदीवान महिला कैदी है उनको स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण दिलाएगा उन्हें कानूनी सहायता दिलाएगा और महिला और बाल अत्याचार के आरोपियों को न्यायालय से बेल न मिले उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए ये संगठन हमेशा प्रयत्नशील रहेगा. महिला व बाल अत्याचारों पर दिन बढ़ने वाले अत्याचारों पर और गंभीर मामलों पर संगठन काम करेगा और शीघ्र ही पीड़ित को न्याय मिलेगा ऐसा काम करने के लिए संगठन आगे हमेशा प्रयासित रहेगा. महिलाओं के लिए स्वास्थ्य रक्तदान कानूनन जानकारियां अन्य शिविरों का संस्था आयोजन करेगा. समाज सेवा में कार्य करने वाली महिलाओं का मनोबल बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा भारत में कई बार भी सम्मान समारोह का सेमिनार्स का आयोजन किया जाएगा. भारतवर्ष में हर महिलाओं को बालकों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों को संगठन अवार्ड देकर सम्मानित करेगा. ट्रस्ट द्वारा समाचार पत्र भी चलाया जाएगा यूट्यूब चैनल भी चलाया जाएगा एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी शुरू किया जाएगा पुस्तकों का प्रकाशन किया जाएगा मैगजीन का प्रकाशन किया जाएगा. महिलाओं के लिए विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें महिला उत्पीड़न के मामले में जो पीड़ित महिला है उसको न्याय मिलना चाहिए इसके लिए संस्था की तरफ से मोर्चे भी निकाले जाएंगे रैली निकाली जाएंगी आंदोलन निकाले जाएंगे धरने प्रदर्शन होंगे हड़ताल की जाएंगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए और महिलाओं का सशक्तिकरण को सशक्त करने के लिए संगठन हमेशा प्रयासरत रहेगा. महिलाओं को हर चाहे मदद करने के लिए जैसे कि बचत गटों का निर्माण करना हो उद्योगों का निर्माण करना हो महिलाओं को रोजगार देने और स्वयं रोजगार देने के लिए प्रेरित करना हो महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य हो ये संगठन चलाएगा. महिलाओं को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मदद करेगा उनको चुनाव प्रक्रिया के लिए उनको प्रसार के माध्यम से संगठन हमेशा कार्य करेगा. खेल स्पर्धा परीक्षा है सेमिनार्स
और हर जगह पे अलग अलग पाक कलाओं का भी महिलाओं के द्वारा गटों के माध्यम से ये बड़े बड़े स्टॉल का भी आयोजन ये संस्था करेगा। उसके साथ स्वास्थ्य शिविरों का और कुपोषित बालकों के लिए और माताओं के लिए सकस आहार का निःशुल्क वितरण करने के लिए ये संगठन प्रयासित रहेगा। महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना, साहित्य कला, पाक कला, नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक कार्य, राजनीति, सभी कार्यों में मनोबल बढ़ाने के लिए संगठन विभिन्न क्षेत्रों के आयोजन करेगा, जैसे कि राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, सम्मान समारोह हो गया, या अलग अलग स्टेज के माध्यम से लोगों को सचेत करेगा। और संगठन ये जो न्यास है ये चंदे के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से आय का प्राप्ति कर ये लोक सहभाग से अन्य कार्यक्रम को सफल करने के लिए प्रयासित रहेगा। कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो अपने जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो बालक हो, महिला हो, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो कोई संस्था भी अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है, तो ये पीड़ित व्यक्ति अगर हमारे पास संस्था की तरफ में आता है और हमारे ट्रस्ट को न्याय देने के लिए अगर बात करता है, तो हम उसको हमारे संस्था की तरफ से एडवोकेट प्रोवाइड करेंगे। और उसको यदि उसका कंडीशन नहीं है एडवोकेट्स का, तो उसको हम लोग एक निःशुल्क एडवोकेट्स भी प्रोवाइड करने का संस्था की तरफ से काम करेंगे। संगठन द्वारा गैर सरकारी बंजर जमीन, खाली पड़ी जमीन लीज पर लेना, खरीदना, बख्शीश पत्र पर लेना और सरकारी कार्यालयों के आसपास कैंटीन, रेस्टोरेंट शुरू करके महिलाओं को उसके अंदर रोजगार देना, ये काम संगठन के नाम से रहेगा। मैरिज हॉल शुरू करना, रेस्टोरेंट शुरू करना, पुस्तकालय शुरू करना, कपड़ों की शॉप शुरू करना, कोचिंग क्लासेस को शुरू करना, ये संस्था का काम रहेगा। बेसहारा महिलाओं को, बालकों को सहारा देना, उन्हें दत्तक लेना, उनको लीगल तरीके से उनका पुनर्वास करना, बेसहारा एवं अनाथ लोगों के लिए डेयर केयर सेंटर, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, महिला आधार गृह, स्त्री आधार गृह केंद्र, शेल्टर शुरू करना, नर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों का निर्माण करना, हाई स्कूलों का निर्माण करना, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू करना, ITI, महिला प्रशिक्षण केंद्र, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, चैरिटेबल हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी एक्सरे सेंटर, सोनोग्राफी सेंटर, मेडिकल शॉप, जेनरिक मेडिकल शॉप, मेडिकल चेकअप कैंप शुरू करना और अन्य लोगों को रोजगार देने का, और कई जगह पर पार्किंग की भी व्यवस्थाएँ करने के लिए पार्किंग के जोन लेकर उसको शुरू करने का भी काम ये ट्रस्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति, ट्रस्टी, पदाधिकारी या सदस्य, मानधन उनको वेतन या मानधन नहीं दिया जाएगा, जो नियुक्त किए गए लोग हैं उन्हीं को ही मानधन और वो वेतन दिया जाएगा। संगठन के सभी निर्णय संस्थापक अध्यक्ष द्वारा लिए जाने वाले हैं और सभी नियमों के अधीन रहकर हर कार्य किए जाएंगे। जो भी व्यक्ति संस्था में आके संगठन को या संस्था को आंतरिक खोखला बनाने की कोशिश करेगा या संगठन में आपसी झगड़े लगाने की और बगावत करने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत संगठन उसके सदस्य रद्द करके उसको निकालने का एकाधिकार संस्था के अध्यक्ष के पास अधीन रहने वाला है। तत्पश्चात लीगल जो भी कानूनन कार्रवाई होगी उसके लिए संगठन पूरा कार्यशील रहेगा। सभी ट्रस्टी का, सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारी का कार्यकाल मात्र एक साल का होगा। हर समिति की सिफारिश होने के बाद उस सिफारिश समिति के आदेश के अनुसार ही उस पदाधिकारी का या उस काउंसलिंग सेंटर का अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर ही नया उसको रिन्यू करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए भी उसकी समिति बनेगी। उसका आदेश मिलने के बाद में वो कंटिन्यू समिति आगे काम करने वाली है। किसी भी कार्यकारिणी को बिना बताए कार्यकारिणी को बर्खास्त करना, किसी भी सदस्य को नोटिस देना, ये सब अधिकार मुख्यालय को दिए गए हैं और ये सभी मुख्यालय से दिए गए नियमों का सभी सदस्य ये सब नियमों का पालन करेंगे। कार्यकारिणी इस प्रकार से होंगी, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, प्रचार सचिव, संगठन के सचिव, कोषाध्यक्ष, सलाहकार, काउंसलर, महिला संरक्षक, महिला बाल संरक्षक, प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प संचालक, कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर और अन्य प्रकार की आवश्यकता के अनुसार इस पदों को घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और एक से अधिक लोगों को अन्य अन्य जिम्मेदारी दी जा सकती है। सभी विवादों के लिए न्यायिक क्षेत्र नागपुर, दिल्ली, ये सब रहेगा। उसके बाद में न्यास द्वारा राज्य, सामूहिक, जिला, शहर, ये सभी कार्यकारिणियों का गठन होगा। महिला और गरीब बच्चों के विकास के लिए कार्य करना और गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी कराना और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य ट्रस्ट करेगा। महिला एवं बच्चों के लिए गैर सरकारी संस्थाओं एवं केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी संस्थाओं का निधियों का लाभ उनको दिलाना, महिलाओं को शिक्षित करना, उनको जागरूक करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में, उनके हक के बारे में सचेत करना
उनको अपने कर्तव्य की जानकारी समझा के बताना, उनको महिला सहायता संघ के तरफ से उनको समूह का निर्माण करके, गटों का निर्माण करके, उनको बैंकों से कर्जा दिला के उनका बिजनेस डेवलप कराना, बाल कार्यक्रम के उनके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत करना, बच्चों के स्वास्थ्य का देखरेख हेतु बाल रोग तज्ञ की नियुक्ति करना, हॉस्पिटल शुरू करना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रति प्रतिरोधक टीका के लिए सरकार से लाभ दिलवाना, और सरकार से चलाई जा रही पूरी योजनाएं ये ग्रामीण तबके में, झुग्गी बस्तियों में, ग्रामीण स्तरों पर चलाना, केंद्र सरकार, भारत सरकार, दिल्ली सरकार एवं अन्य राज्यों की समय समय पर चलाई गई जन सेवाएँ, जन योजनाएँ अभियान के अंतर्गत भागीदारी करके कार्यक्रमों के उद्देश्यों को लोगों तक पहुँचाने के लिए कार्य करना, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, वेद, वर्ण भेद महत्व को न देकर सर्व कल्याणार्थ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को करने का, उत्तम चरित्र निर्माण करने का, उत्तम आरोग्य, वैदिक, शैक्षणिक, साहित्य सम्मेलनों का आयोजन करके महिलाओं के प्रति जागरूकता को फैलाने का कार्य, महिलाओं की किताबों के प्रकाशन का कार्य, महिलाओं को न्याय के लिए उनको कानून जानकारियों का जानकारी प्रदान करना, उसकी किताबों का निर्माण करना, आध्यात्मिक शिविरों का आयोजन करना, उनको योगा मेडिटेशन के माध्यम से उनका बौद्धिक और मानसिक बलों को बढ़ाने का कार्य करना, भारत सरकार एवं अन्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाना, उनको जागरूक कराना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र छात्राओं को मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, विद्यालयों का निर्माण करना, छात्रावासों की स्थापना करना, ये सब काम संगठन का रहेगा। और ये ट्रस्ट का कार्य भारत में सभी राज्य, जैसा कि केंद्र शासित राज्य जैसे दिल्ली राजधानी है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है, दादर नगर हवेली है, दीव दमन, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं भविष्य में अस्तित्व में आने वाले सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संगठन का नियोजनबद्ध तरीके से कार्य करना, शाखाएं खोलना, शाखाओं की स्थापना करके वहां पे लोकल स्तर पे लोगों को रोजगार प्रदान करने की भी कोशिश ये संगठन करेगा। सदस्य की समाप्ति, सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, चारित्रिक दोष पाए जाने पर, त्यागपत्र स्वीकारे जाने पर, आपराधिक दोषी न्यायालय प्रक्रिया में दोषी पाए जाने पर, ट्रस्ट द्वारा की गई जिम्मेदारी पूरी तरह से न निभाने वाले व्यक्ति पर मुख्यालय से या मुख्यालय को उनके खिलाफ दो से अधिक शिकायत प्राप्त होने पर किसी कारण न बताए उसको निष्कासन करने का पूरा एकाधिकार संस्थापक अध्यक्ष का है। ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय का पता समय समय पर बदलता रहेगा। भारत में कहीं भी ट्रस्ट के कार्यालय खोले जा सकेंगे। सभी न्यासी अपने कर्तव्य एवं अधिकारों से पूरा न्यास को, न्यास के कारोबार को चलाएंगे और न्यास की जिम्मेदारी न्यास के संस्थापक अध्यक्ष द्वारा दिए जाने व्यक्ति ही आगे चलाने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति न्यासी वेतन कमीशन की मांग नहीं करेगा और संस्था का कोई भी लाभ में हिस्सा नहीं मांगेगा, जो फंडिंग बॉडी के लोग हैं। ठीक है, ट्रस्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति को संस्था द्वारा दान चंदा देने का कार्य है और संगठन के तरफ से बहुत सारे लोगों को हम लोग बच्चों की फीस भरनी है, तो ये सभी कार्य हम संगठन के माध्यम से करने वाले हैं। इस ट्रस्ट के नए अमेंडमेंट में बदलाव लाने के लिए ट्रस्ट द्वारा पंजीकरण में समय समय पे 3 सक्षम ट्रस्टी के हस्ताक्षर और ठहराव मान्य किए जाएंगे। ऐसे बदलाव हमेशा समय समय पर आने वाली समस्याओं के अनुसार देखते हुए सब बदल हो सकेंगे। और भी ऐसे बहुत से क्लॉज है जो आपके सामने बताना था, पर फिर भी आगे के मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। यह ट्रस्ट घरेलू हिंसाचारों के मामलों को रोकने के लिए हमेशा कार्य करेगा, महिला एवं बालकों को संरक्षण देगा, सदैव तत्पर रहेगा, पीड़ित महिलाओं का संवर्धन करेगा, उन्हें न्याय दिलाएगा, उन्हें यथार्थ कार्य करेगा, आवश्यकता के अनुसार पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण दिलाने के लिए संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगा, समाज में फैली व्याप्त बुराइयां और कुरीतियों को खत्म करने का, घरेलू हिंसाओं पर रोक लगाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना एक उपाय हो सकता है, पर समस्या का पूरा समाधान उससे हो नहीं सकता। आज महिला स्त्री अत्याचारों के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और स्त्री पुरुष समानता में एक और प्रयास बहुत जरूरी है, इसलिए ट्रस्ट सम्मानीय जीवन समान अधिकार के लिए हमेशा पुरुष एवं महिलाओं को साथ में
रख के उनके सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए संगठन कार्य करेगा, उनको आर्थिक सुरक्षा का भी बल प्रदान करेगा। ट्रस्ट में हमेशा अत्याचार, बाल अत्याचार, विवाहित स्त्री सती, नाता प्रथा, ऐसे भारत में कई फैली सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए ट्रस्ट काम करेगा। सभी कार्यरत सजग समाज का संगठन निर्माण करेगा। आए दिन बढ़ते हुए मामलों को रोक लगाने के लिए और घरेलू हिंसाचार कायदा अधिनियम 2008 के अंतर्गत महिलाओं को और बालकों को भयमुक्त वातावरण में जीने के लिए हमेशा संरक्षण देने का कार्य संगठन करेगा। यह ट्रस्ट को जो भी महिलाओं की या पीड़ित व्यक्ति की शिकायत प्राप्त अगर ट्रस्ट को होती है तो पीड़िता को न्याय देने के लिए ट्रस्ट काम करेगा, उनका सबूत इकट्ठा करेगा, उनका बयान लेगा, पुलिस एवं सरकार को उसकी सूचना देगा। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1993 के अंतर्गत काम करेगा। ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत काम करेगा। हर जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके अंतर्गत पारिवारिक उसके अंतर्गत केस चलाएगा। पारिवारिक न्यायालय के अंतर्गत केस चलाने के लिए न्यास कार्य करेगा। यह न्यास का खुद का प्रशासन रहेगा, जिसके अंतर्गत न्यास और न्यास के ट्रस्ट के नियम सुधारित नियम को बनाए जाएंगे और ये संगठन न्यायिक प्रक्रिया के लिए काम करेगा और आगे आने वाले पीड़ित व्यक्ति को न्यायदान कम से कम समय में कैसा मिले इसके लिए हमेशा प्रयास करेगा। यह संगठन का खुद का एक वेबसाइट रहेगा जो ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य करेगा। गूगल प्ले से मोबाइल एप्लीकेशन बनाए जाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए जाएंगे और लोगों को न्याय मिलाने के लिए और आसानी इसके जरिए होने वाली है, इसके लिए भी संगठन हमेशा कार्य करेगा। तो ऐसे बहुत से नियम इसमें दिए गए हैं। यह ट्रस्ट एक सामाजिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा, महिला पीड़ित ताकि केस लड़ने के लिए हेल्प करेगा। स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ मिलके, न्याय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलके, न्यायपालिका के साथ मिलके, न्यायाधिकारी के साथ मिलके कार्य करेगा। घरेलू हिंसाचार के शिकार महिलाओं को आश्रय देगा, सहायता प्रदान करेगा और उसको कानूनन सहायता, हेल्थ सहायता, उनको परिमार्श, उनके बच्चों की कस्टडी उनको दिलाएगा, उनका मुआवजा भी उनको दिलाएगा और अन्य जो भी पीड़िता की मांगे रहेंगी ये संगठन उनको दिलाने का कार्य करेगा। तो इस तरीके की बहुत सी ऐसी और भी क्लॉज इसके अंदर दिए गए हैं और ये क्लॉज के अंतर्गत ये संगठन हमेशा प्रेरित रहेगा। मैंने मेरे ख्याल से कुछ 10 से 15 20 50 25 तक के क्लॉज बोले गए हैं, मगर यहाँ पे 150 प्रकार के क्लॉज है जिसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 15 से 20 दिन लगे और मैडम से बार बार एग्जैक्टली मी कारण जर रजिस्टर्स मैडमला ते वाचायला 2 ते 3 दिवस त्यांनी घेतला तर ऑब्वियस आहे एवढे बायलॉज लिहायला यांना किती दिवस लागले असतील आणि हा मुद्दा फक्त 15 ते 20 दिवसाआधी चर्चा केलेला आहे। तर एक्झिक्यूट 15 दिवसातच सरांनी केला, एक महिना मला असं वाटतं 20-21 दिवसाआधी बोललो सहज चहा पिता पिता। ते भंडारा जिल्ह्यामध्ये डॉक्टर देवानंद नंदागौडी सरांना जिम्मेदारी देण्यात आलेली आहे की त्यांनी महिला समुपदेशन आणि पुरुष समुपदेशनाचे कार्य आपल्याकडून स्वीकारून घ्यावे आणि भंडाराच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महिला आणि पुरुषला न्याय मिळावा यासाठी तुमची समुपदेशन कमिटी ही कार्यरत राहील अशी अपेक्षा करतो आणि आपल्याला पुढील वाटचालीस शुभकामना देतो, शुभेच्छा। तसंच नागपूर येथील समुपदेशन कमिटीमध्ये डॉक्टर रोशनी रिक्की मेहरे यांची निवड करण्यात आलेली आहे आणि त्यांना नागपूरमधील पुरुष आणि महिलांच्या ज्या समस्या आहेत त्याचं निराकरण करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचं कार्य त्यांच्या मागे दिलेलं आहे। त्यासाठी नागपूर येथील समुपदेशन कमिटीच्या डॉक्टर रोशनी मेहरे यांनासुद्धा मी पुढील वाटचाली शुभेच्छा देतो। त्यानंतर अमरावती जिल्ह्याच्या कमिटीमध्ये सौ नंदा गजानन राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, तर त्यांना अमरावतीच नाही संपूर्ण खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ याची संपूर्ण जिम्मेदारी देण्यात आलेली असून त्यांचं काम जसं नाव आहे तसंच त्यांचं कामसुद्धा आहे, त्याच्यामुळं त्यांच्याकडनं अपेक्षा संघटनेला खूप जास्त आहेत। तर हे काम मॅडमनी याच्यात घ्यायला पाहिजे। तसंच केंद्रीय कमिटी जे आमची स्थापन झालेली होती त्या केंद्रीय कमिटीमध्ये ॲडव्होकेट विजेता कांबळे आहेत, डॉक्टर देवानंद नंदागौडी सर आहेत, सौ नंदा राऊत मॅडम आहेत, रोशनी मेहरेसुद्धा त्या कमिटीत घेतली आणण्यात आलेला आहे, ज्या उज्जैनच्या आहेत करुणा द्विवेदी मॅडम ज्या मध्य प्रदेश हायकोर्टच्या रिटायर्ड जज आहेत त्यांनासुद्धा घेण्यात आलेलं आहे। नागपूरचे जवळजवळ 10 ते 20
ॲडव्होकेट्स ज्या महिला समुपदेशनसाठी काम केलेल्या ॲडव्होकेट्स आहेत त्याचीसुद्धा नावाची यादी आम्ही काही दिवसामध्ये घोषित करणार आहोत. तर अशा पद्धतीचे हे समुपदेशन कमिट्या आम्ही आता सुरुवाती तोरवरती फक्त 3 जिल्ह्याच्या याच्यासाठी सुरू केलेल्या आहेत, एक भंडारा, एक नागपूर आणि एक अमरावती. जसे जसे आमच्याकडे प्रस्ताव येतील तसे तसे आम्ही चंद्रपूर, भंडारा, बाकीचे वाशिम, बुलढाणा, खामगाव अशा ज्या ज्या जिल्ह्यामधून आमच्याकडे येतील लोक तर त्या त्या कमिटीला आम्ही देऊ. प्रत्येक कमिटीने स्वतःचं कार्यालय स्थापन करावं, प्रत्येक कमिटीला स्वतःच्या कार्यालयाकरिता लॅपटॉप, त्याच्यानंतर टूल्स, बॅनर्स, फ्लॅक्स, त्यानंतर त्यांना सर्व स्टेशनरी साहित्य स्टेशनरीमध्ये NSL 1, NSL 2 फॉर्म्स आणि विटनेस फॉर्म्स, त्यानंतर तपास यंत्रणेचे फॉर्म्स ह्या सर्व गोष्टी त्यांना तिथे प्रोव्हाइड करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये हे समुपदेशन केंद्र सुरू होतील त्या त्या जिल्ह्याला एक आवश्यकतेनुसार जर मोठा जिल्हा असेल तर आम्ही 40-सीटर बस देण्याचा याच्यामध्ये संकल्प केला आहे. 40-सीटर बस याच्यासाठी केलेला आहे आम्ही की 40-सीटर बसमध्ये जवळजवळ 10 सीटा खाली असतील आणि 30 महिलांचा तो प्रवास असेल आणि 10 सीटांमध्ये त्यांचं सामान आणि त्यांचे टूल्स जातील आणि ही बस प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये जाईल, ग्रामीण भागात जाऊन महिलांचं सर्वेक्षण करेल, महिलांच्या समस्या जाणून घेणार, महिलांचे बयान घेणार, महिलांचे एव्हिडन्स घेणार आणि प्रत्येक जिल्हा जिल्हा पातळीवरती ती एक बस काम करेल आणि ती बस संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी कार्यरत असेल. वेळेवेळेनुसार मागणीनुसार ती बस प्रत्येक जिल्ह्याला जाईल आणि त्या जिल्ह्याच्या महिलांना घेऊन किंवा भंडाऱ्याच्या 4, अमरावतीच्या 5 अशा प्रत्येक महिलांना घेऊन जवळजवळ 30 लोकांचं एक मोठी कमिटी तयार करून आपण महिलांच्या समस्या त्यांच्यापर्यंत जाऊन आपण घेणार आहोत. कारण की समस्या आहेत भरपूर लोकांच्या, पण त्या कोर्टात जाऊ शकत नाही, त्या घाबरतात, त्या पोलीस स्टेशनला जाऊ शकत नाही, त्या घाबरतात, त्या नवऱ्याला सांगू शकत नाही, त्या घाबरतात, त्या मुलाला सांगू शकत नाही, त्या घाबरतात, त्या एखाद्या सोशल वर्करला सांगू शकत नाही, त्या घाबरतात, समाजामध्ये सांगू शकत नाही, मैत्रिणींना सांगू शकत घाबरतात. त्याच्यामुळं आमच्या महिलांच्या ज्या कमिटी आहेत, आम्ही पंच कमिटी असं म्हणणार नाही, आमची मोठी कमिटी राहणार ज्याला आम्ही समुपदेशन कमिटीचा निर्माण आम्ही केलेला आहे. तर ही कमिटी, समुपदेशन कमिटी, त्याच्यामध्ये सुरक्षा अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, त्याच्यानंतर विटनेस घेणारे ॲडव्होकेट्स असे भरपूर सारा पॅनल असेल आणि असा हा 30 लोकांचा ताफा हा प्रत्येक जिल्ह्या जिल्ह्याच्या पातळीवरती जाणार आहे. येणाऱ्या 8 मार्चला जागतिक महिला हक्क दिवसाच्या निमित्ताने ह्या संघटनेच्या माध्यमातून ज्या ज्या केसेस आम्ही सॉल्व करणार आहोत, ज्या ज्या तक्रारी आमच्याकडे येतील त्याचं निराकरण करणार आहोत, अशा सर्व तक्रारी आम्ही काय काय केलेलं आहेत त्याचं आम्ही एक प्रेझेंटेशन ठेवणार आहोत तिथे. त्यानंतर ज्या व्यवसायी महिला आहेत, ज्या गृहिणी महिला आहेत, ज्यांनी आपलं एक अस्तित्व तयार केलेलं आहे अशा महिलांचासुद्धा सन्मान घेण्याचं काम संघटना करणार आहे. तर नंदा राऊत मॅडम आणि ॲडव्होकेट विजेता मॅडम यांच्या म्हणण्यानुसार आपण तो एक कार्यक्रम मोठ्या लेवलचा करणार आहोत. परत त्या याच्यामध्ये काही लोकांनी बोललेलं आहे की सर हा कार्यक्रम महिला दिनाचा जो आहे हा कार्यक्रम आपण कुठं घ्यायचा आहे, नागपूरला घ्यायचा आहे की मोठ्या सिटीमध्ये घ्यायचा आहे, तर तो विषय चालू आहे की पुणे घ्यायचा, नागपूर घ्यायचा की मुंबईला घ्यायचा. त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचा आणि ह्या समुपदेशन कमिटीचा आणि या महिला तक्रार निवारण न्यासचा हा पहिला वर्षाचा आणि नवीन वर्षाच्या 2023 हा पहिला कार्यक्रम असल्यामुळे हा कार्यक्रम जागतिक पातळीवरती व्हावा अशी इच्छा आमच्या महिला कमिटीच्या काही ॲडव्होकेट्सनी धरून लावलेली होती. त्याच्यामुळं हा कार्यक्रम नागपुरात न ठेवता हा कार्यक्रम आम्ही हा मोठ्या सेंटरला, मोठ्या सिटीला आम्ही हा वढवणार आहोत. नाशिक होऊ शकतो, पुणे होऊ शकतो, मुंबई होऊ शकतो किंवा नागपूर, तर आमच्याकडे 90% चान्सेस नाहीच आहेत. त्याच्यामुळं आपण 8 मार्चचा हा कार्यक्रम हा नागपुरामध्ये आयोजित करण्याकरिता थोडंसं काही हे असल्यामुळे आम्ही हा कार्यक्रम हा 8 तारखेचा हा तिकडे वढवत आहोत. पण जो कार्यक्रम 8 तारखेला झालाच पाहिजे असंही नाही आहे, तो आपण 10 घेऊ शकतो, तो 11 घेऊ शकतो, तो आपण 12 घेऊ शकतो. त्याच्यामुळे काही लोकांनी असं म्हणलेलं आहे की सर 8 मार्चचा कार्यक्रम हा एक दिवस बॅक ठेवू तुम्ही कार्यक्रम घ्या. त्याच्यामुळं जर पॉसिबिलिटी आली, आमच्या कोर कमिटीने जर आम्हाला मान्यता दिली, आम्हाला फंडसाठी आम्हाला कोर कमिटीने मदत केली, तर हा कार्यक्रम आम्ही नागपूरपासून सुरुवात करू. नागपूरला एक दिवस, एक दिवस पुण्याला, एक दिवस मुंबईला, असं पण सुरू करू शकतो किंवा मुंबईपासून सुरू करत करत नागपूरला एंड करू शकतो. अशातले प्रस्ताव पारित होत आहेत. त्यानंतर प्रत्येक महिला समुपदेशन केंद्राला एक 4-व्हीलर गाडी, ज्याला आपण टाटा सुमो म्हणू शकतो, त्याच्यामध्ये 7 महिला येऊ शकतात, किंवा इनोवा म्हणू शकतो आपण,
किंवा एखादी मारुती व्हॅन म्हणू शकतो. जशी आता कमिटीची कंडिशन आहे, जशी संघटनेची स्थापनेची कंडिशन आहे आणि आपल्या फायनान्शियल कॅपॅसिटीची कंडिशन आहे, तशी पाहून आपण त्या गाड्या तिथं प्रोव्हाइड करणार आहोत, जेणेकरून आपल्या महिलांना पीडित महिलेच्या घरापर्यंत गाडी घेऊन जाण्याकरिता बसनी, ऑटोनी किंवा ट्रेननी सफर न करता आपल्या डायरेक्ट संघटनेच्या वाहनाने त्यांना प्रवास करता येईल त्यासाठी. त्यासोबतच महिला समुपदेशन अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आपण सेंट्रल सिक्युरिटीजच्या माध्यमातून आपण तिथे महिला सुरक्षा अधिकारी रिक्रूट करत आहोत, ज्यांना आपण वर्दी देणार आहोत आणि त्या वर्दीवाल्या ज्या लेडीज असतील त्यांची हाईट, पर्सनॅलिटी ह्या सर्व गोष्टी मेंटेन केल्या जाणार आहेत आणि त्या आमच्या कार्यालयामध्ये सुरक्षा अधिकारी म्हणून त्यां जॉईन होणार आहेत. ज्या ज्या महिलांना महिला तक्रार निवारण न्यास यांनी अपॉइंट केलेलं आहे, ज्यांना आम्ही त्यांची ट्रेनिंग घेतलेली आहे, त्यांना आमचं त्यांचा इंटरव्ह्यू पासआउट झाला आहे, ज्यांना ट्रेनिंग देण्यात आलेली आहे, ज्यांच्या ट्रेनिंग संपूर्ण झाल्यानंतर जो आमचं क्रॉस एक्झामिनेशन आहे त्याच्यात त्या परिपूर्ण पास झालेल्या आहेत, अशांना फक्त 9 महिन्याचं अपॉइंटमेंट लेटर आमच्या न्यासकडून मिळणार आहे. 9 महिन्याचं अपॉइंटमेंट लेटर दिल्याच्या नंतर किंवा 10 महिन्याचं अपॉइंटमेंट लेटर दिल्याच्या नंतर तो अपॉइंटमेंट लेटर हा अवॉइड होईल, इनव्हॅलिड होईल आणि तिचा कार्यकाल हा समाप्त होईल. तर तिला परत तो कार्यकाल वाढवायचा असेल तर तिला आमच्या परत समुपदेशन कमिटीच्याकडून परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. तर प्रत्येक महिलेला 7,500 मानधन हा सुरू करण्यात आलेला आहे, तो मानधन 35,000 जाऊ शकतो. ज्या सेंटरला ज्या सेंटरची ज्यांनी परमिशन घेण्यासाठी समोर आलेले आहेत, ज्या ज्या सेंटरचे प्रस्ताव आलेले आहेत, तर त्या एक एक सेंटरला आमचा स्टाफ नसून त्यांचं स्वतःचं जर वैयक्तिक स्टाफ असेल तर त्यांनासुद्धा आम्ही 75,000 ते 1,50,000 रुपयाचा मासिक उलाढालाकरिता किंवा याकरिता आम्ही त्यांना संस्थेच्या मार्फत फंड देणार आहोत. त्याकरिता आम्हाला फंड देण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून भरपूर सारे असे व्यक्ती आमच्याशी जोडलेले आहेत की ज्या या चळवळीला चालवण्याकरिता आपल्याला आर्थिक मदत देतात, ज्यांना आम्ही दान, चंदा, डोनेशन असं स्वरूप देतो. तर ज्यांना ज्यांना आपापल्या कमिट्या मंजूर करायच्या आहेत, ज्यांना ज्यांना आपापल्या जिल्ह्यामध्ये कमिट्या सुरू करायच्या आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर डॉक्टर देवानंद नंदागोळी यांच्याशी संपर्क करावा, त्यांनी डॉक्टर रोशनी मेहरे यांच्याशी संपर्क करावा आणि नंदा राऊत मॅडम यांच्याशी संपर्क करावा, किंवा आमचं नागपूरला कार्यालय आहे त्या कार्यालयामध्ये संपर्क करावा, किंवा आमच्या इथे नागपूरमध्ये ज्या ॲडव्होकेटचं लॉ पॅनल आम्ही नियुक्त केलेलं आहे त्याच्या ज्या हेड आहेत ॲडव्होकेट विजेता कांबळे मॅडम यांच्याशीसुद्धा संपर्क करावा. आणि ज्यांचं एज्युकेशनच्या माध्यमातून आम्ही बोललो होतो की ज्यांचं MBA झालेलं आहे, MSW झालं आहे, BSW झालेलं आहे, यांना पुस्तकाचं नॉलेज आहे, प्रॅक्टिकल ज्ञान नसते आणि आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून ज्या महिला खरंच ग्राउंड लेवलला समुपदेशनचं काम करत आहेत त्यांच्याकडे नॉलेज आहे पण त्यांच्याकडे एज्युकेशनचं नॉलेज नाही आहे. त्याच्यामुळं एक प्रशिक्षित आमचा कर्मचारी आणि एक MSW किंवा BSW झालेला एक कर्मचारी अशा दोन लोकांच्या क्लिप करून आम्ही समोरचं हे वाढवणार आहोत. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला कुठलीही कमिटीमध्ये लोकांची निवड करायची असेल तर त्यांनी पहिलं पेपरला त्याची जाहिरात प्रकाशित करणे अनिवार्य आहे किंवा प्रसारमाध्यमामध्ये तशी बातमी देऊन त्याचं एक एक्नॉलेजमेंट आमच्या कार्यालयातून घेणं गरजेचं आहे. हे संघटनेचं स्वतःचं प्रशासन असल्यामुळे संघटनेचं खर्च त्याचं लॉ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, त्याचं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, त्याचं व्हिजिलन्स डिपार्टमेंट, म्हणजे असं नाही का बा मला हे मिळून गेलं, मी समुपदेशन अधिकारी झाली, मी करतो आहे, तिच माझ्यावर कोणाची लक्ष नाही, तसं नाही. आमचं एक व्हिजिलन्स डिपार्टमेंट राहील, आमचं एक सतर्कता डिपार्टमेंट राहील, त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीजवर आम्ही त्यांच्यावर नजर ठेवणार. त्यांच्या छोट्या मोठ्या काही अशा आमच्याकडे कंप्लेंट्स आल्या, म्हणजे जवळ 3 तक्रारी आमच्या कार्यालयाला जर प्राप्त झाल्या तर आम्ही सरळ त्यांची कमिटी बरखास्त करू. ज्यांना ज्यांना आम्ही कमिट्या देणार आहोत त्यांच्याकडून आम्ही ॲश्युरन्स घेणार आहोत, ज्याच्यामध्ये काही स्टॅम्प पेपरवरती आम्ही त्यांचे बॉन्डिंग करणार आहोत, त्यानंतर काही त्यांच्या आम्ही डिपॉझिटच्यासाठी किंवा त्यांचं एक ॲसेट्स आमच्याकडे असावं किंवा त्यांच्यामुळं काही हे व्हावं तर आम्ही त्याच्याकडून काही सिक्युरिटीज म्हणून त्यांच्याकडून काही आम्ही चेकसुद्धा आम्ही त्याच्यासाठी घेत आहोत, जेणेकरून आमची समितीचं नाव बदनाम होणार नाही. आणि ज्या ज्या महिलांना त्याचं परिचयपत्र मिळणार आहेत तर ते परिचयपत्र युनिक राहणार आहेत. ज्यांना परिचयपत्र जारी केलं आहे त्यांनी काम करत असताना, ड्युटी निभावत असताना ते परिचयपत्र धारण करणं, आपल्या सोबत ठेवणं हे गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी ह्या सर्व संस्थेचे नियम फॉलो करावे, त्याची नियमावली येणाऱ्या काही दिवसामध्ये प्रकाशित होणार आहे. कारण की 4 तारखेचं रजिस्ट्रेशन झालं, 5-6 तारखेला मी इथं आलो आणि आजची तारीख 9 तारीख आली, मला 2 दिवससुद्धा ऑफिसला बसायला मिळालेलं नाही, त्याच्यामुळे खूप वेळ कमी आहे. आणि परत 10 तारखेला मला दिल्लीला जाणार, सॉरी इथं गोव्याला जाणे आहे,
10 गोव्याला गेल्यानंतर गोव्याच्या पण कमिट्या स्थापन झालेल्या आहेत. गोव्याला पण आपल्यापेक्षा 100 पटीच्या ऊर्जेने गोव्यातले लोक कामाला लागलेले आहेत. त्याच्यामुळे दोनच जिल्हे असल्यामुळे तिथला पोर्टल आता जवळजवळ 90% वर्क झालेला आहे. तर तिथलं प्ले स्टोअरचं ॲप हे मला वाटते 12 तारखेला लॉन्च होणार आहे. तर मी परत 13 तारखेला इथं नागपूरला येणार आहे आणि 14 तारखेला नागपूर 14, 15, 16 नागपूरला आहे आणि परत 17 तारखेला मी दिल्लीला जाणार आहे. त्याच्यामुळं जास्त तर महाराष्ट्रातले जे कामं आहेत ते डॉक्टर देवानंद नंदागवळी, रोशनी मेहरे, नंदा राऊत आणि विजेता कांबळे ह्या मॅडमकडे देण्यात आलेले असून प्रत्येक लोकांना असं वाटतं का मी देवरे साहेबांनाच भेटावं, त्यांच्याकडूनच कामं करावं अशातला विषय नाही. पण माझ्याकडून काम करत असताना माझ्यासोबत जुळलेल्या लोकांना माझा स्वभाव माहीत आहे. त्याच्यामुळे काही लोकं घाबरून बोलत नाही, काही लोकं बोलतात, काही लोकं मागून बोलतात, काही दुसऱ्याच्या माध्यमातून बोलतात. त्याच्यामुळे कुठं ना कुठं सर्व कम्युनिकेटी एक असल्यामुळे भले नंदाताईचं आणि माझा वाद झाला पण आम्ही सकाळी भाऊ कसा आहे, तब्येत कशी आहे, आम्ही ह्या गोष्टी विचारतो. वाद कोणाच्या घरात होत नाही, सर्वांच्या घरात होते. त्याच्यामुळे थोड्या वेळासाठी क्षुल्लक कारणामुळे जर कोणाचे वाद झाले असतील तर आपापले वाद एका साईडला ठेवावं आणि आपलं एक परिवार आहे, ही चळवळ एक परिवार आहे. आज केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेची स्थापना आपण केली, तर केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेत काम करत असताना असे काही बदल आपल्याला घडवायचे होते म्हणून आपण फंडामेंटल राईट प्रोटेक्शन ट्रस्ट ऑफ इंडियाची स्थापना केली. त्याची पण कमिटी वेगळ्या लेवलनी काम करत आहे. हे सर्व करत असताना आपल्याला वृत्तपत्राची गरज पडली, वृत्तपत्राचा आपण युनिटी तयार केली. मग हे सर्व करत असताना आपल्याला यूट्यूब चॅनलची गरज पडली, ते करत असताना आपल्याला कम्युनिटी रेडिओ स्टेशनची गरज पडली, हे सर्व करत असताना आपल्याला परत एक पॉलिटिकल पार्टीची पण गरज पडली. ते सुद्धा काम आता या 2 महिन्यामध्ये समोर येत आहे आणि आपली एक स्वतःची संघटनेची एक पॉलिटिकल पार्टीसुद्धा स्टंड होतात. त्याच्यामुळे आपण असं कधी म्हणू शकणार नाही की बा आपल्या संघटनेची पार्टी नाही तर आम्ही दुसऱ्या पार्टीत जातो. तुम्हाला काय पाहिजे इथे, जसं आईला आपण म्हणतो की आम्हाला आज चिकन पाहिजे आहे, मच्छी पाहिजे आहे, पोळ्या पाहिजे आहे, नरमवाल्या पोळ्या पाहिजे, तेलाच्या पोळ्या पाहिजे, आई बरोबर करते की नाही, तर हे संघटना आहे. तुम्हाला काय पाहिजे ते तुम्ही आम्हाला सांगा, आम्ही करू. फुल नाही फुलाची पाकडी करायचा आम्ही प्रयत्न करू. आणि तुमचा परिवार आमचा परिवार आहे आणि एक नवीन या जानेवारी महिन्यापासून ते घटना घडली की काही कार्यकर्ते आमचे ॲक्सिडेंटमध्ये मृत्यू पावतात, काही शॉकमध्ये मृत्यू पावतात, काही ब्रेन हॅमरेजमध्ये मृत्यू पावतात, काही प्रवासात मृत्यू पावतात. तर अशा लोकांसाठी आपण या जानेवारी महिन्यापासून नॅशनल ओरिएंटल इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स आणि मॅक्स ड्युरॅक आपलं एक स्टार हेल्थ इन्शुरन्स यांच्यासोबत आपण संघटनेने टाईप केलेलं आहे. तर प्रत्येकांना आपण ज्या ज्या लोकांची मेंबरशिप आम्ही आता अलर्ट करणार आहोत त्यांना एक त्याचं एक कार्ड, ज्याचा आपण जनरल इन्शुरन्स म्हणतो, GIS म्हणतो, हे आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून आपण त्यांना देणार आहोत. तर त्याचं दरवर्षी कार्ड जसं रिन्युअल होतं तसं त्याची पॉलिसीसुद्धा रिन्युअल होणार आहे आणि त्याला 1 लाख रुपयाचं समेश्वर आपण आपल्या संघटनेकडून देतो. कोणाचा ॲक्सिडेंट झाला, काही झालं तर त्याला त्याच्या परिवाराचा लाभ मिळेल. कधी कधी आम्हाला असं वाटतं की आमच्या संघटनेसाठी काम करतो व्यक्ती आणि त्याचा असा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या परिवाराच्या सुद्धा अपेक्षा संघटनेकडे असतात. पण संघटनाच ही लंगडी झालेली आहे, कारण की लोकच लंगडे करतात संघटनेला, आपलेच लोक संघटनेला लंगडे करतात. मिलिंद देवले ज्या ज्या माणसाला मोठं करतो तो तो मोठा होणारा माणूस हा मिलिंद देवलेच मारून टाकायचा प्रयत्न करतो. ते असं परिस्थिती प्रत्येक जागी येते. त्याच्यामुळं आपण सर्वांनी मिळून काम केलं पाहिजे, एकोपा ठेवला पाहिजे, धैर्य ठेवलं पाहिजे, पेशन्स ठेवले पाहिजे. आम्ही धैर्य आणि पेशन्स ठेवलं नाही तर आपल्याला त्याचा चालू शकणार नाही, आपण समोर त्याचा आपल्याला उपयोग होणार नाही. आणि आपण म्हणतो ना कुत्र्याला खीर पचत नाही, तो उलटी करून देतो. त्याच्यामुळे काम त्यालाच द्या जो करू शकतो, करू शकतो. म्हणजे त्या लेडीजला पत्रकारिता येतच नाही आणि आपण त्याला प्रेसमध्ये जोडलं तर हे चुकीचं आहे. ज्या महिलेला बोलताच येत नाही त्या महिलेला आपण समुपदेशनाचं काम दिलं, ज्या महिलेला बोलताच येत नाही, भाषणच देता येत नाही, तिला आपण स्टेजवर उभं केलं, तसं नाही. आज नंदा मॅडमसुद्धा स्टेजवर बोलत नव्हते पण आज त्यांचं स्टेजची डेअरिंग वाढली, बरोबर आहे. रोशनीपूर्वी स्टेजवर बोलत नव्हती पण तिची पण मागे स्टेजची डेअरिंग वाढली, आता लग्नाचं तिची डीम झाली. मॅडमसुद्धा स्टेजवर बहुत कमी जायची, आता मॅडमसुद्धा एक चांगल्या लेवलनी बोलतात, बिना लिहिता बिना काही करता मॅडम करतात. तर ह्या सर्व गोष्टी होतात, तर ह्या करण्यासाठी आपल्या सर्वांना एकत्र होऊन चालणं बहुत गरजेचं आहे.